हेलो गाइस, सो आज हम लोग देखेंगे लुईस बेस कौन कौन होते हैं। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि लुईस थ्योरी क्या होती है। लुईस थ्योरी से हमें एसिड और बेस का पता चल गया। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने लुईस एसिड, सारे प्रकार के लुईस एसिड डिस्कस कर लिए। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुईस बेस। अभी क्या होती है गाइस लुईस थ्योरी, अगर आप रिकॉल करोगे तो अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट करता है, वो सब्सटेंस होता है लुईस एसिड, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता है, वो सब्सटेंस होता है लुईस बेस। ओके गाइस, अभी आज हम लोग देखेंगे लुईस बेस किन किन तरह के लुईस बेस होते हैं। गाइस मान लो अगर मुझे लुईस बेस जैसा बिहेव करना है, तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करना पड़ेगा, और वही सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब हमारे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन होते हैं, ज़्यादातर जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है आपके पास। तो वह जिन भी बेसिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करने का नेचर रखेंगे, इसलिए जिन भी सब्सटेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सारे के सारे लुईस बेस कहलाएंगे। अभी नेगेटिव चार्ज आता कैसे है गाइस, मान लो आपके सामने एक एग्जांपल है एच बॉन्ड सी एन। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, शेयरिंग किया है उन्होंने। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ये बताती है कि शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो शेयर्ड किए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की पावर एबिलिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड किस तरह से टूटेगा गाइस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ ले लेता है, इसको हम लोग हेट्रोलाइटिक फिशन भी बोलते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का था, जो खुद का इलेक्ट्रॉन था वो आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींच लिया इसलिए इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल हमें इसका कुछ लेना देना नहीं। तो जब भी किसी एटम के पास गाइस नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है। अब नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हमेशा इसका स्वभाव क्या होगा गाइस, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये स्पीसीज उसको जरूर इलेक्ट्रॉन देंगी। इलेक्ट्रॉन देने से इसके ऊपर का चार्ज भी कम हो जाएगा और स्टेबल भी फील करेगा। तो केमिस्ट्री में जिस भी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, उनके पास गाइस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जो किसी को भी ये डोनेट कर सकते हैं। और हमारा डेफिनेशन वही कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो गाइस सारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अच्छी तरह से लुईस बेस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। तो अभी हम लोगों ने लुईस बेस की पहली कैटेगरी देखी कि नेगेटिव आयन, मतलब अनायन। क्या बोला हम लोगों ने, द नेगेटिव आयन लाइक सी एन नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, सी एल नेगेटिव। देखो इन सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, बिल्कुल बराबर, नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। एंड दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर स्पेसिस, दूसरों को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकते हैं, हेंस दे एक्ट एज लुईस एसिड। बट गाइज इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे भी सब्सटेंस देखे केमिस्ट्री में जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर शो करते थे, फिर भी वो मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करते थे, उनको भी हम लोगों ने लुईस बेस बोल दिया। वो कौन से सब्सटेंस है गाइज, हमें सबको पता है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। लोन पेयर कैसी है, हमें सबको पता है अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। वैसे टोटल नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में चले गए, बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन। अभी नाइट्रोजन को तो स्टेबल बनना है, स्टेबल बनने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करता है, उसके सामने एक जो हाइड्रोजन आया उसके सामने एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अभी नाइट्रोजन के पास बन गए 6 इलेक्ट्रॉन टोटल मेजर कर लो। फिर से एक हाइड्रोजन आ गया, फिर से शेयरिंग कर दी, नाइट्रोजन के पास बन गए 7 इलेक्ट्रॉन। फिर से और एक हाइड्रोजन के साथ ये मुलाकात कर लेता है, तो शेयरिंग की वजह से नाइट्रोजन हो गया स्टेबल। अब ये दिखाई दे रहा है आपको अमोनिया, वो ना गाइस अमोनिया। अब अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर। अभी गाइस ये जो अमोनिया है इसके पास लोन पेयर होने के कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो रिकामे पड़े, पूरे पूरे खाली पड़े हुए रिकामे दोनों इलेक्ट्रॉन। अभी नाइट्रोजन जिस किसी को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो उसको नाइट्रोजन अपने दोनों लोन पेयर देके उसको स्टेबल कर सकेगा। तो फिर आप बोलोगे सर अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर दी तो नाइट्रोजन तो खुद अनस्टेबल हो जाएगा ना, उसका ऑक्टेट तो कम हो जाएगा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल डालोगे तो नाइट्रोजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो फिर तो ये अनस्टेबल होगा, तो ये देगा क्यों,
देखो ये कितने चालाकी से इलेक्ट्रॉन देता है, अभी हमें सबको पता है, हम लोग बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में ये बात समझ चुके, सीख चुके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिर भी हम लोग एक बार देखेंगे। मान लो गाइस अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इनफैक्ट किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? अभी अमोनिया के सामने आ गया, मान लो एच पॉजिटिव है, अमोनिया के सामने आ गया एच पॉजिटिव है। अब एच पॉजिटिव है, आपको सबको पता है हाइड्रोजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी हाइड्रोजन को स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? दो इलेक्ट्रॉन की। अभी अमोनिया क्या करता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने के कारण अमोनिया, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया इसके ऊपर, इसके लिए उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। बट नाइट्रोजन के तो सात ही इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अभी आठ में से एक तो दे दिया। बट नाइट्रोजन क्या चालाकी करता है कि जो इलेक्ट्रॉन भाई अब मैंने हाइड्रोजन तेरे को दिया है, अब वही इलेक्ट्रॉन के साथ मेरे साथ शेयरिंग कर, ताकि तेरा भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और मेरे आठ के आठ इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। तो हाइड्रोजन बोलता है ठीक है कर लो शेयरिंग। अभी देखो नाइट्रोजन के आठ इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे हैं, क्योंकि शेयरिंग में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो तो हमारा होता है और दूसरे का भी हमारा हो जाता है शेयरिंग में। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन स्टेबल, और नाइट्रोजन के पास कितने? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ से। तो इस तरह से बन गया आपका NH4 पॉजिटिव। तो इस केस में नाइट्रोजन ने क्या किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी दूसरे को। तो इसलिए गाइज ये अमोनिया जो होता है लोन पेयर होने के कारण अच्छा बेस का काम करता है। इसलिए हमारे केमिस्ट्री में जितने भी ज़्यादातर मोस्टली जो भी कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर होता है, तो वो अच्छा लुईस एसिड, सॉरी लुईस बेस कहला सकता है, क्योंकि लोन पेयर अगर है तो वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, इसलिए वो अच्छा बेस कहलाएगा। अभी हम लोग एक वाटर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो वाटर एम्फोथेरिक नेचर है, एम्फोथेरिक का मतलब वाटर एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है। बट फिलहाल हम लोग लुईस थ्योरी देख रहे हैं, लुईस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर एक अच्छा बेस का काम कर सकता है। कैसे? अभी गाइस वाटर में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब मान लो हाइड्रोजन आ गया एच पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, भाई मेरे पास तो लोन पेयर है, एक काम कर मैं तेरे को भी स्टेबल कर देता हूं। कैसे? ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, उसी तरह जिस तरह से नाइट्रोजन ने किया। इसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अभी ऑक्सीजन बोलता है भाई मैंने जो इलेक्ट्रॉन तेरे को ट्रांसफर किया वही मेरे साथ शेयर कर, ताकि मेरे ऑक्टेट बना रहे और तेरा भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। बना कौन? हाइड्रोजन तीन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे वाटर ने लोन पे डोनेट किए ना, तो इसलिए लुईस कहता है ये वाटर बेस का काम करेगा। और भी बहुत सारे कंपाउंड है गाइस, अगर आप इथर को देखोगे तो इथर में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो इथर में का ऑक्सीजन भी किसी को लोन पेयर डोनेट करने का नेचर शो कर सकता है। हम लोगों ने प्राइमरी एमाइन पढ़ाई की है NH2, प्राइमरी एमाइन में गाइस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये भी अच्छा बेस का काम कर सकता है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो दो प्रकार के बेस होते हैं गाइस, ऐसे एलिमेंट ऐसे स्पेसीज जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है फिर तो वो लुईस बेस कहलाएंगे, बट कुछ न्यूट्रल स्पेसीज भी होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होती है, इसके वजह से वो लोग अच्छे लुईस बेस का काम कर सकते हैं। तो ये सेकंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देर आर सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक NH3, वाटर, अमाइन, अल्कोहल। अल्कोहल में भी देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये सारे न्यूट्रल है, बट इनके ऊपर इनके इसमें इनके कंपाउंड में इनके स्पेसिस में किसी एक एटम के ऊपर लोन पेयर होने के कारण ये वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए लुईस बेस का काम कर सकते हैं। सो इन विच सेंट्रल एटम कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सो दे कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर स्पीसीज एंड हैज एक्ट एज लुईस बेस। तो ये पूरी कहानी थी गाइस लुईस एसिड और लुईस बेस की। अब इसमें एक बार हम लोग समझ लेंगे, देखो क्या है, एक नोट का पॉइंट हमें याद रखना है, वो देखो क्या है, लुईस के अकॉर्डिंग जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है गाइस, हमें पता है अगर मान लो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है पीएच, अगर पीएच से पीएच की वैल्यू 7 होती है तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है। मान लो गाइस किसी सॉल्यूशन में अगर एसिड का प्रमाण ज्यादा हो गया तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन एसिडिक है, किसी सॉल्यूशन में अगर बेस का प्रमाण बढ़ गया तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन बेसिक है। तो मान लो मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें मैंने एसिड डाल दिया, अब एसिड डालने के कारण सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया, बट जितना अमाउंट मैंने एसिड का डाला उतना ही अमाउंट मैंने बेस का डाला, तो होता क्या है, हमेशा एसिड ये बेस को न्यूट्रलाइज करता है।
जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये न्यूट्रल होता था। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जब भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है और कुछ हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, तो इस रिएक्शन को गाइस हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि जैसे प्लस को माइनस न्यूट्रल करता है, उसी तरह गाइस एसिड को बेस न्यूट्रल करता है, या तो फिर बेस को एसिड न्यूट्रल करता है। आई बात समझ में? अभी जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी, लुईस साइंटिस्ट बोलता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो बेस होता है, बेस वो एसिड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये लुईस थ्योरी का कहना है कि इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेस मेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ एसिड, ऐसा उसका बोलना है। अभी देखते हो, आओ देखते हैं ये कैसे होता है। आप लोग ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। मान लो मेरे पास एसिड है एच पॉजिटिव आयन। अब अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जिन भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करने का नेचर शो करेंगे, मतलब लुईस एसिड का काम करेंगे। हालांकि कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है वो भी लुईस एसिड बिहेव कर सकते हैं। फाइन, चलो मैंने ले लिया एसिड और उसमें डाल दिया मैंने बेस, मान लो अमोनिया। अभी अभी हम लोगों ने देखा, अभी ये बेस है और ये एसिड है, और बेस और एसिड का रिएक्शन किस तरह से होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो गाइज, ये जो अमोनिया है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है नेगेटिव चार्ज, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो हम लोगों ने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में सीखा है कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर एज वेल एज शेयरिंग के वजह से होता है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो दिखाते किस तरह से है गाइस, डोनर से एक्सेप्टर के तरफ हम लोग एरो पॉइंट आउट करेंगे, और ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लुईस थ्योरी का भी यही बोलना है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो बेस है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होंगी, बट ये जो बेस है ये एसिड के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी। ठीक है गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या होती है ये आप बिल्कुल आपके नोटबुक में लिख लो सारे पॉइंट। लुईस एसिड किस तरह से होते हैं वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुईस बेस। आई होप कि आपको लुईस बेस पूरी तरह से समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।